प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के दिशा निर्देशों पर अंबाला स्वास्थ्य विभाग बाढ़ से प्रभावित विभिन्न इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत कार्य करने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में रविवार को अंबाला छावनी के टांगरी बांध के साथ लगती दर्जनों भर कॉलोनियों में सिविल सर्जन अंबाला डॉक्टर कुलदीप सिंह के नेतृत्व में मेगा कैंपेन चलाया गया, जिसमें मोबाइल हेल्थ वैन, ब्लीडिंग चेकर्स के अलावा तीनों UPHC की टीमों ने राहत कार्य किया। इस मेगा कैंपेन में अंबाला कैंट नोडल अधिकारी डॉक्टर विशाल गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टांगरी बांध पर 2 मोबाइल वैन टीम लगाई गई हैं, जिसमें डॉक्टर फार्मासिस्ट लैब की टीम को तैनात किया गया है। क्षेत्र में लोगों को शरीर में खारिश, गंदे पानी से हुए दाने, बुखार, सिरदर्द, नज़ला, जुकाम के अलावा किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है तो मोबाइल वैन में डॉक्टर्स द्वारा निशुल्क चेकअप व दवाइयां दी जा रही हैं। विशाल गुप्ता, नोडल अफसर, अंबाला कैंट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाढ़ ने अपना कहर पूरा बरसाया हुआ एरिया के ऊपर, आज हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम इस एरिया में आई हुई है। टोटल लगभग मिलाकर 86 लोग हैं जो आए हुए हैं, इसमें डॉक्टर्स, हमारे मेल हेल्थ वर्कर्स, फीमेल हेल्थ वर्कर्स और आशा वर्कर्स प्रमुख तौर पर आए हुए हैं, और लगभग 29 जो ब्लीडिंग चेकर्स हैं उनकी ड्यूटी हमने यहाँ पे एरिया में लगाई हुई है, जो कि गलियों गलियों जाकर जो तेल छिड़क रहे हैं, उसके अलावा कोई दवाई छिड़क नहीं है, दवाई का छिड़काव कर रहे हैं और लोगों को पानी में डालने वाली क्लोरीन की गोलियां दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि हमने कैंप्स लगाए हुए हैं यहाँ पर, 2 मोबाइल हेल्थ कैंप्स वैन खड़ी हैं यहाँ पर, और तीनों UPSCs अपने अपने जो कंसर्न एरियाज हैं या बाढ़ पीड़ित एरिया हैं उन एरियाज में जाकर घर घर जाकर लोगों को दवाइयाँ दे रहे हैं। जो कैंप्स हम लगा रहे हैं इसका पर्पज़ क्या होता है कि जो बाढ़ तो आ गई, एरिया पानी आ गया, लेकिन जब पानी बारिश का पानी इकट्ठा होता है, खड़ा होता है, तो वाटर बोर्ड डिजीज आती हैं, खुजली की बीमारी आती है, लोगों को डायरिया की प्रॉब्लम शुरू होती है, बुखार आता है, खारिश की प्रॉब्लम है, तो इन चीज़ों के लिए बचाव के लिए भी और इनके इलाज के लिए भी दवाइयों की जरूरत है। तो जिसके लिए हमने यहाँ पे टीमों का गठन किया है और ये अगले एक हफ्ते तक ये एक्टिविटी जारी रहेगी। इसके अलावा गणेश विहार जो मेन चौक है वहाँ पर एक टीम UPSC निषाद बाग की परमानेंट बैठी है। जिस किसी को भी मेडिसिन लेनी है वहाँ पर सुबह 9:30 से लेकर और 3 बजे के बीच में वहाँ पर मेडिसिन ले सकते हैं। इसके अलावा किसी को किसी तरह की कोई इमरजेंसी है, कोई दवाई चाहिए, तो सिविल हॉस्पिटल 24/7 फंक्शनिंग है, किसी को कोई दिक्कत हुआ वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर चित्रा शर्मा ने बताया कि कॉलोनियों में खड़े गंदे पानी में काला तेल डलवाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सभी कॉलोनियों में मच्छर जनित बीमारियों से रोकथाम हेतु ब्लीडिंग चेकर्स की मदद से तेल छिड़काव करवाया जा रहा है। साथ ही लोगों को जागरूक किया गया कि वह पूरे बाजू के कपड़े पहने व मच्छरों से बचाव हेतु मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा पानी का जगह जगह OT किट से टेस्ट करके पानी की जांच की जाए। टीमों में एरिया में लोगों को 500 से अधिक दवाइयों की भी किट वितरित की गई। मैं डॉक्टर चित्रा शर्मा, नोडल अधिकारी, अंबाला कैंट सिविल हॉस्पिटल। आज हमने एक मास कैंपेन स्टार्ट किया है, जो कि ये बाढ़ग्रस्त एरिया जो हमारा अंबाला कैंट का है, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, राइट साइड ऑफ द टांगरी और लेफ्ट साइड ऑफ द टांगरी, इसमें हमने एक मास कैंपेन स्टार्ट किया जिसमें बहुत सारे हेल्थ वर्कर आज आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं, जो एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ और उसके साथ वाटर बॉर्न डिजीज के लिए जो प्रिकॉशंस हैं वो लेंगे, और साथ में क्लोरीन की टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन है और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा फ़ायदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया एक ही दिन में कवर हो सके, ताकि हम बीमारियों को, आने वाली बीमारियों को समय से पहले ही रोक पाएँ और आगे जाके हमारी जो लोगों की सेहत है वो सुरक्षित रहे, नुकसान अधिक ना हो। डॉक्टर यादविंदर ने बताया कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में पानी की सप्लाई दूषित होने के कारण अब बीमारियों का खतरा अधिक हो गया है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने हेलोजेन टैबलेट लोगों को वितरित की जा रही हैं। टीमों ने टैबलेट वितरित करने के साथ साथ उनको इस्तेमाल करने की विधि के बारे में भी बताया है। क्षेत्र की ANM और आशा वर्करों ने लोगों से बताया कि वह एक हेलोजेन टैबलेट को 20 लीटर पानी में इस्तेमाल करें और जब वह हेलोजेन टैबलेट को पीसकर पानी में डालकर छोड़ें तो कम से कम 1 घंटे के बाद उसका पीने के लिए इस्तेमाल करें। ऐसा करने से डायरिया व अन्य बीमारियों से रोकथाम होगी। डॉक्टर यादविंदर सिंह, इंचार्ज UPSC निषाद बाग। आज हमारे यहाँ पे वाटर बॉर्न डिजीज और वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को हेलोजन टैबलेट्स बांटी जा रही हैं और खाली पड़े प्लाटों में और जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा हुआ है वहाँ पे हम तेल डलवा रहे हैं, और हमारा ये एम्फेसिस है पूरा राइट टांगरी एरिया पर, और ये जो हमारा एरिया जो बंदे से दूसरी तरफ है, जैसे कि कुंज विहार, लक्की विहार, पटेल नगर, पंजाबी बाग,
ये सारा एरिया गणेश विहार इन पे हम हमारा फोकस है और आज हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम ये सारा कार्य कर पाए। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।